Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to another video. इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स राउंड. आपने सवाल पूछे हैं मुझसे इंस्टाग्राम स्टोरी में जो मैंने पोस्ट की थी और मैं इस वीडियो में उनका जवाब देने वाली हूँ. तो शुरू करते हैं. पहले मैं ये बता दूं कि मेरी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं. आई एम गोइंग टू एड्रेस दैट इन दिस वीडियो फॉर श्योर, बट नॉट राइट नाउ, बिकॉज अगर आज मैं आपको हेल्थ के बारे में सब कुछ बताऊंगी ऑनेस्टली जो अभी चल रहा है मेरी लाइफ में, तो उसके लिए मुझे हो सकता है कि मेरे दो चार आंसू टपक जाएं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इस वक्त सेंसिटिव हूं. तो वही था कि मतलब थोड़ा सा लेटर इन द वीडियो हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले सारी नॉर्मल अच्छी वाली सारी चीजों का जवाब दे देते. तो सबसे पहले है हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ. ऑनेस्टली पहले कुछ दो साल पहले तक आई थिंक जब लोग मुझसे ये सवाल पहले भी आता था, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस फेज जहां पे वो मोटिवेटेड फील नहीं करते, एंड मैं हमेशा यही जवाब देती थी कि यार मुझे ऑनेस्टली बताऊं मोटिवेट ज्यादा अपने आपको करना नहीं पड़ता, आई एम वेरी दिस थिंग, आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड, मतलब ऐसी बहुत सी बातें मैं करा करती थी. बट जब से मेरी हेल्थ ने एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया है मेरी हेल्थ में, 70% चीजें आपको पता है, 30% तो पता भी नहीं होती है, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज मैं कैमरे पे नहीं डालती हूं. देखो कौन सी चीज प्राइवेट रखनी है कौन सी चीज नहीं रखनी है वो काफी सब्जेक्टिव होता है, वो काफी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. जो चीज शेयर करने में मैं कंफर्टेबल हूं हो सकता है वो सामने वाला कंफर्टेबल ना हो, और कोई चीज ऐसी होती है जो सामने वाला कंफर्टेबल है लेकिन मैं शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूं. उसका मेन और एक रीजन ये भी हो जाता है कि कोई कोई चीज आपको कम ट्रिगर करती है तो आप उसके बारे में थोड़ा ज्यादा बात कर लेते हो, लेकिन कोई कोई चीज ऐसी होती है जो आपको ज्यादा ही ट्रिगर कर रही है. अगर आई एम नॉट जस्ट फीलिंग गुड सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट अलॉट, ठीक है ना. तो उन कारणों से कुछ चीजें हैं जो आप तक नहीं पहुंचती है. तो जब से मेरा हेल्थ का सीन होना शुरू हुआ तब से डेफिनेटली मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. आई एम नॉट अ लेजी person, never at all. I love to work. In fact, I cannot imagine a life जहां पे मैं काम नहीं कर रही हूँ. सो आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क. हाँ, हमेशा पूरी जिंदगी गधा मजदूरी नहीं करना चाहती हूँ. आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरी लाइफ एक कंफर्टेबल लाइफ हो धीरे धीरे, यू नो, मतलब अभी सारी उम्र ऐसे बुजुर्ग होने तक थोड़ा ना वही घिसाई करनी है अपनी लाइफ में. एक टाइम ऐसा आना चाहिए जहां पे आपको लगे कि जो मैंने लास्ट 10 साल या 20 साल या 30 साल जितनी मेहनत करी है अब मुझे उसका फ्रूट थोड़ा आराम से इंजॉय करना है, किसी रैट रेस में रहने के लिए ना करूं. वो मैं आज भी नहीं करती हूं. 3 साल पहले तक करती थी, हाँ मैं करती थी डेफिनेटली. मुझे ऐसे था मेरे ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, वो फीलिंग काफी बैकसीट ले चुकी है. अभी एक टाइम ऐसा है जहां पे मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है, बिकॉज मे बी आई एम इन पेन, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरे अंदर हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है. तो अभी मोटिवेशन जब मेरे पास नहीं होती है तो यार आई डोंट फोर्स माई सेल्फ. मुझे ऐसा लगता है इट्स ओके ज्योति, कुछ नहीं होता, कल वीडियो जाएगी परसों चली जाएगी, तू पहले अपना ध्यान रख, ये तेरी पूरी दुनिया नहीं है. तेरी पूरी दुनिया जो है वो डिपेंड करती है तेरे शरीर पे, तो अगर तेरा शरीर अच्छा नहीं होगा तो कुछ तू नहीं कर पाएगी, ठीक है ना. तो तेरी जो 5 दिन में या 4 दिन में वीडियो जा रही है तो वो भी नहीं डाल पाएगी अगर तू बिस्तर पे पड़ गई. तो इसी वजह से फिर मैं अपने आप को उतना ज्यादा फोर्स नहीं करती हूँ आजकल. सो आई थिंक जस्ट डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ यार, इट्स ओके, जो जब होना है हो जाएगा. जस्ट डोंट बी लेजी, डोंट बी दिस पर्सन जो जिंदगी में मेहनत ही नहीं करना चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता है. बाकी अपने सपनों को देखो, आपके जो सपने हैं उसकी तरफ वर्क करो, ठीक है, बट डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ. कैसे आंसर्स चेंज हो जाते हैं ना टाइम के साथ. पहले शायद 2 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो शायद मैं उसका कुछ और रिप्लाई करती. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम 19, प्लीज सजेस्ट गुड एंड इजी ऑल्सो अफोर्डेबल स्किन केयर, माई फोरहेड हैज सो मेनी टाइनी बम्प्स. सो इसके बारे में मैं ये बोलूंगी, देखो एक तो आप अभी बहुत यंग हो, आई डोंट थिंक यू शुड गेट इन टू अ फुल फ्लेज्ड स्किन केयर. बस एक दो चीजों का ध्यान रखो, एक तो बहुत पानी पियो, जो गलती मैंने एक्चुअली की है लाइफ में, मैं बहुत ज्यादा पानी नहीं पीती हूँ. और दूसरा एक सिंपल एक नॉर्मल रूटीन रखो अपना, कि अपना फेस को क्लीन रखो, सुबह शाम अपना फेस धो, एंड मेक श्योर जो आपका तकिया है उसका जो कवर है, बेडशीट है जिसपे भी आप सो रहे हो, वो सब क्लीन है. ऐसे नहीं है कि 10-10 दिन तक एक बेडशीट बिछी हुई है. सो मेक श्योर दैट इज क्लीन. एंड व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, बेसिक अपना एक मॉइस्चराइजर रखो, उसके बाद एक सनस्क्रीन लगा लो. दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू से, जो भी ये यूट्यूबर्स होते हैं और जो वीडियोज बनाते हैं, कई लोगों को डेफिनेटली बहुत नॉलेज होती है, कई लोगों ने शायद पढ़ाई भी की होती है इस चीज की, कई लोगों ने रिसर्च कर करके अपने आप को उस लायक बनाया होता है कि वो आपको सजेस्ट कर सके ऐसा कुछ. बट मैं या मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यूज कर करके चीजों को थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, बट वी आर नॉट प्रोफेशनल्स. तो ऐसे बहुत सारे एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास जब भी Q&A होता है या अदरवाइज भी कमेंट्स में, कि कुछ इसके लिए बताओ या उसके लिए बताओ. डोंट डू दैट. हम लोग ना तो प्रोफेशनल्स हैं ना हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन है, मेरे मैं अपनी बात करती हूँ. तो इतना ज़्यादा किसी पे अपनी स्किन को लेके डिपेंड मत करो. अगर आपको बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो गो टू अ पर्सन हु इज अ प्रोफेशनल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ प्रैंक वीडियो ऑन कम्मू. यार देखो ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बहुत सोचती हूँ, मेरा मन भी करता है कम्मू के साथ प्रैंक वीडियो बनाने का, बट आई थिंक ये बात मैं
मैंने शायद कभी बोली नहीं है चैनल पे, बट कम्मू इज वेरी सेंसिटिव, क्योंकि जो भी टॉपिक्स मेरे दिमाग में आते हैं मुझे लगता है नहीं कम्मू तो बुरा मान जाएगा, या फिर ये तो अच्छा नहीं लगता ऐसे करना, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो मुझे लगता है कि आप लोग शायद उतने अच्छे से उस चीज को ले ना पाओ, आपको लगे अरे ज्योति सो इनसेंसिटिव, हाउ कुड यू डू दैट टू कम्मू। तो ये सारी चीजों के कारण कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं निकल पाता जिसके बारे में मैं सोचूं हाँ इस पे वीडियो बनाऊंगी, ऐसा प्रैंक करूं कम्मू को, तो वो चीजों के कारण मैं कर नहीं पाती। बट डेफिनेटली मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसको देखो सरप्राइजेस देने बहुत पसंद है, मुझे तो ऐसे धप्पा करना बहुत पसंद है, चाहे हैप्पीली चाहे फिर वो प्रैंक हो, तो मुझे तो मजा आ जाएगा अगर मैं किसी दिन कम्मू के साथ प्रैंक करूंगी। बट अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपके पास जो जिससे आपको लगता है कम्मू हर्ट नहीं होगा बस, तो आप प्लीज मुझे डीएम करो, आई वुड डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसमें से कोई टॉपिक उठा सकूं और उस पर कम्मू को प्रैंक कर सकूं। हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू दीज डेज? लाइफ इज गुड यार, अच्छा कर रही हूँ, काम में भी अच्छा कमा भी रही हूँ। घर का एक मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मुझे घर बनाना है, छोटा सा ही बनाया पर एक घर ले लिया, तो उससे भी मुझे बहुत अच्छा फील होता है। कुछ टाइम पहले बात हो रही थी, मैं बोल रही थी बस अब कम्मू एक घर ऐसा चाहिए जहाँ पे अब हम शिफ्ट हों, अब हम रहें, बहुत टाइम पहले की बात है ये। अब तो हमने ड्रॉप कर दिया घर का वो, बिकॉज मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज बिल्कुल चेंज हो गई हैं, और वो इसी कारण से हुई है जो मैं बताने जा रही हूँ। तो एवरी टाइम आई यूज टू टॉक अबाउट इट ना, तो कम्मू मुझे यही बोलता था कि देख ज्योति तूने मुझे पहले, मुझे इतने साल में तेरे मुंह से सुनता आ रहा हूँ कि मुझे एक घर बनाना है, चाहे छोटा सा ही हो बस एक घर हो जिसे मैं अपना कह सकूँ, और अब वो बन गया तो अब तो बोल रही हूँ अब ऐसा घर हो, बस ऐसा हो वैसा हो, ये करेंगे। वी बोथ वॉन्ट कि हमारा घर हो, एंड ऑनेस्टली हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम अपना घर खरीद सकते हैं, मतलब हम अगर चाहें तो हम कल घर खरीद सकते हैं। बट और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम अब रुक गए हैं कि हमें इसमें अभी घुसना ही नहीं है, क्योंकि घर अगर एक बार खरीद लिया ना तो घर खरीद के टेंशन वहीं खत्म नहीं हो जाएगी। देन आई विल गेट इनटू अरे ऐसे सजाना है, इसको ऐसे करना है, यहाँ ये खरीदने जाना है, इसको हायर करना है इंटीरियर डिजाइनर को, ये आर्किटेक्ट को, मैं जाने ही नहीं चाहती उस गली में अभी, बिकॉज अभी आई हैव सो मच टू टैकल मेरे खुद की पर्सनल लाइफ में, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो मेरे मम्मी का लॉस हो, इतनी सारी चीज़ें हैं कि बिल्कुल सही डिसीजन है हमारा कि अभी हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर इन लॉज एवर आस्ट यू टू स्टे विद देम फॉर एवर? इफ येस देन वाई, एंड इफ नो देन वाई? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, डेफिनेटली वो चाहते हैं, कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे। आजकल हम शायद थोड़े बहुत ऐसे फील के हो गए हैं, ऐसी हमारी सोच हो गई है कि शायद जब हमारे बच्चे होंगे तो हमें लगेगा नहीं यार गो चेज योर ड्रीम्स, उसके लिए तुम्हें जो करना पड़ता है वो करो कोई बात नहीं। बट हाँ, इसके मम्मी पापा डेफिनेटली चाहते हैं कि हम सब लोग साथ में रहें, बट उन्होंने साथ ही साथ हेल्दीली पॉजिटिवली इस चीज़ को भी हल्का सा समझा हुआ है कि उनके बेटे ने जो लाइन चूज करी है वो एक्टर बनना, उसके लिए वो दिल्ली से काम नहीं कर सकता, वो बॉम्बे में ही होता है सब कुछ। सो दे आर वेरी चिल अबाउट इट ऑल्सो, बट एट टाइम्स दे फील के अरे साथ में रहते होते तो ये होता या ये ऐसे करते या वैसे करते। ओके, हाउ डू यू मैनेज योर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन? मुझे डिप्रेशन नहीं है, किसने बोला है कि मुझे डिप्रेशन है? आई वाज नेवर डिप्रेस्ड इन माय लाइफ। एंग्जाइटी इश्यूज मुझे हैं और वो अभी भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन केयर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछते हो यार? आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, डू नॉट रिलाई ऑन पीपल लाइक मी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, व्हाट वर्क्स फॉर मी, मैं सिर्फ उतना बता देती हूँ कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा काम किया, हाँ ये अच्छा, बस उतना ही पता है मुझे। व्हाट वर्क्स फॉर मी डजंट मीन विल वर्क फॉर यू ऑल्सो, सो प्लीज स्किन केयर के लिए आप ये ध्यान रखो कि हमेशा एक प्रोफेशनल की ही सलाह मानो। ओके, उसके बाद वांट टू नो व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, आई एम गेसिंग यू स्टार्टिंग अ ब्रांड। ब्रांड तो नहीं पता, एक छोटा सा कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ यार। हाँ, एक कुछ तो बिजनेस पे काम मेरा चल रहा है, बट अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो मेरे हेल्थ इश्यूज फिर से बीच में आ गए हैं उससे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज में हाथ डालूं भी या नहीं डालूं, बिकॉज जब मैंने इसके बारे में काम करना शुरू किया था तब तक अभी जो मेरी लाइफ में हेल्थ का अपडेट आया है वो मुझे नहीं पता था, एंड नाउ आई एम एट अ स्टेज जहां पे मैं बिल्कुल यहां खड़ी हूं, यहां से यहां गई तो बहुत नुकसान है और यहां से यहां गई तो बहुत कंफ्यूजन है कि कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट हाँ, एक है कुछ काम करने की कोशिश कर रही हूं, बट ऐसे नहीं है कि कोई ब्रांड खड़ा करना है मुझे, नहीं, बस एक मेरा शौक है कुछ करने का, उस रिलेटेड मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूं, और होपफुली आप लोगों को अगर शुरू किया तो आप लोगों को, अगर नहीं करना तो है, काम तो करना है, हो सकता है थोड़ा धीरे हो जाए काम या पता नहीं क्या होगा, आई एम जस्ट वेरी कन्फ्यूज्ड राइट नाउ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, बट हाँ एक छोटा सा बिजनेस ही शुरू करने का प्लान है जिसपे काम चल रहा है और काफी आगे पहुंच चुका है काम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सीइंग लंडन हॉल वीडियो आई वॉज ईगर टू नो अबाउट कमल्स भाई भाभी, वाई डोंट यू ऑल मीट? गाइज हम मिलते हैं, पर दो चीजें हैं जो पहले मैं बहुत पहले मेंशन कर चुकी हूँ ये चीज, बट हो सकता है आप नए हो, हम मिलते हैं वंस इन अ वाइल, जैसे अगर कभी दिल्ली गए हैं तो उनसे मिलते हैं। दूसरा, आपको नहीं दिखता है कि हम उन्हें मिल रहे हैं अगर हम दिल्ली गए हैं, क्योंकि दे आर नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली पीपल, थोड़े इंट्रोवर्ट भी है, लाइक वो मेरे से उतना कभी खुले ही नहीं है, थोड़ा कंफर्ट नहीं है मेरा उनके साथ। अगर आप कम्मू को भी देखोगे, कम्मू भी बहुत कम व्लॉग करता है उनके साथ, नहीं पसंद है तो
ठीक है रहने दो, मतलब जरूरी नहीं है कि हर चीज व्लॉग ही करनी है. विच कैमरा डू यू यूज फॉर योर मेकअप वीडियोज व्हेन यू हैव नॉट हायर्ड अ वीडियोग्राफर? कैनन का G7X Mark II कैमरा है जिसे मैंने हमेशा यूज किया है, उसी के साथ मैंने यूट्यूब शुरू किया था. सारी 99% वीडियोज मैंने उसी के साथ बनाई है. ये तो अभी लास्ट एक डेढ़ साल से हुआ है कि आई स्टार्टेड हायरिंग वीडियोग्राफर्स, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा काम हो जाता है यार, जो शूट करते हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक थाने बेटर देन बॉम्बे? यार देखो, लाइकिंग तो मुंबई के लिए मेरी रहेगी हमेशा, बिकॉज द लाइफ इज सो क्रेजी देयर. बट डू आई वॉन्ट टू बी क्रेजी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ? नो, आई वॉन्ट अ थोड़ी सी आराम से लेड बैक सी लाइफ. कभी कभी ऐसे जैसे रिटायर होके लोग नहीं अपनी जिंदगी जीते हैं, आराम से सिटी की हसल बसल से दूर जिसे कहते हैं, और बहुत सारी नॉइस से दूर, वो चीज़ हम यहाँ पे डेफिनेटली इन्जॉय करते हैं. जब कभी ऐसे फील होता है ना कि यार चलो यार चलते हैं पार्टी करते हैं, यार वो दिन कहाँ चले गए, पार्टी करते थे, ये करते थे, कमू क्या क्रेजी थे हम लोग, तो कभी कभी के लिए हम चले जाते हैं. बट 99% ऑफ द टाइम्स हमें यही वाली लाइफ पसंद है. बट मुंबई डेफिनेटली मुझे हमेशा ज़्यादा पसंद रहेगा कहीं से भी. सो आई लिव इन थाने, बट मुझे मुंबई की बहुत याद आती है. बट बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे रहते हैं. आप इतने कूल कैसे रह लेते हो दी? मैं तो आपको देखती रह जाती हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. मैं हमेशा कूल नहीं रहती हूँ यार, मेरे डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स होते हैं. जहाँ पे मुझे गुस्सा होना है वहाँ पे गुस्सा भी होती हूँ, और जहाँ भड़कना है वहाँ भड़कती भी हूँ. इट्स जस्ट दैट आप मेरा ये वाला साइड देखते हो, क्योंकि मैं गुस्से में कैमरा थोड़ा उठाऊंगी, है ना. अगर मैं व्लॉग कर रही हूँ, मैं तभी व्लॉग कर रही हूँ जब मैं हैप्पी हूँ. अगर मैं भड़क रही हूँ किसी पे, तो दैट्स द टाइम जहाँ पे मेरा कैमरे की तरफ हाथ नहीं जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हायर एन एडिटर सो दैट योर नर्व्स कैन काम डाउन एंड सी हाउ लाइफ फील्स व्हेन यू लेसन द बर्डन. ज्योति, समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स एंड नॉट वरी एज यू हैव ऑलवेज डन इन योर लाइफ. यू आर सो राइट. मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना वरी किया है. लाइफ में हर स्टेज पे वरी चेंज होती है, बट वरी कोई ना कोई रहती है. जैसे अभी मेरी डिफरेंट वरीज हैं, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड हो, बच्चे से रिलेटेड हो, बिकॉज आई वांट टू बी अ मदर, तो वो बहुत सारी वरीज हैं. हाँ, बट एडिटर की अगर मैं बात करूँ, तो मैं पहली बात, मेरे पास एक एडिटर है, वो दिल्ली से लड़की है. अगर मुझे कभी भी कोई वीडियो एडिट करानी होती है जहाँ मुझे लगता है कि यार एडिटिंग ये करवानी पड़ेगी, और मे बी आई एम नॉट फीलिंग लाइक एडिटिंग दिस वीडियो, यार इट्स वेरी बोरिंग, मेरे से ये वाला एडिटिंग का काम नहीं होगा, और मे बी इट्स टू मच ऑफ वर्क, और मेरे पास टाइम नहीं है, तो हो सकता है मैं कर दूँ. बट मैं सारी की सारी वीडियोज इसलिए नहीं कराती हूँ किसी से एडिट, बिकॉज एडिट एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं एक्चुअली इंजॉय करती हूँ. मैं हॉलीडे पे जाती हूँ ना, जब जैसे मैंने गोवा वाला एक सोलो ट्रिप लिया था, जब आपको याद है, तो वहाँ पे जाके भी ना मैं एडिटिंग लेके गई थी, बिकॉज एडिटिंग मेक्स मी हैप्पी. मैं एडिटिंग सिर्फ इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पैसे बचाने हैं, एडिटिंग एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी, मुझे बहुत मजा आता है. पहला रीज़न ये है. दूसरा, जब आप किसी और से एडिटिंग कराते हो, तो आपने जिस तरीके का वीडियो अपने दिमाग में इमेजिन किया है ना कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए वीडियो का, ये वीडियो मैं सोच के बैठी हूँ, वो सामने वाले का बिल्कुल अलग हो सकता है. वो आपको अलग तरीके से एडिट करके दे सकता है उस वीडियो को. जो लोग ये काम करते हैं वो लोग ज़्यादा समझ पाएंगे. तो अब उसमें क्या होता है, मुझे बहुत बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है इंसान के साथ कि नहीं 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 वो वाली लाइन रखो, वो तो अच्छी है, वो तो फनी लाइन है, वो रखो. सामने वाले को लग रहा है, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, सामने वाले को लग रहा है कि अरे ये तो खप है ना, इसको तो हटाना है. मुझे लगेगा कि अरे नहीं यार, ये लाइन तो बहुत अच्छी है, ये तो हमने बहुत अच्छा फन किया, इसको रखो. या फिर कोई कोई चीज़ मुझे ऐसे लगता है कि नहीं ये नॉट नीडेड है, इसको काट दो. तो वो बैक एंड फोर्थ इतना करना, और इतना किसी को समझाना, बोलना 0.44 सेकंड पे ये वाली लाइन काट दो, 1.28 सेकंड पे उसको लाइन को वापस डाल दो, इतना काम हो जाता है कि अल्टीमेटली मुझे ऐसे लगता है कि एक सेकंड मैं चुप रह के आराम से बैठ के इस काम को एंजॉय क्यों नहीं कर सकती, खुद ही कर लेती हूँ. दैट्स द मेन रीजन आई डू एडिटिंग अपने आप. टेल योर लेजर ट्रीटमेंट स्टोरी एंड हाउ इज योर आई हेल्थ नाउ? टेक केयर, लव यू जोजो. थैंक यू सो मच. लेजर ट्रीटमेंट, आई थिंक आप उसकी बात कर रहे हो ना, हेयर रिमूवल वाला लेजर ट्रीटमेंट, बिकॉज और कोई लेजर ट्रीटमेंट तो मैंने नहीं लिया है. उसकी कहानी ये है कि यार मैंने दो सिटिंग्स ली थी, और फिर कोविड वाला सीन चल गया था. आई थिंक कोविड चल रहा था, बट वापस से जो सेकंड वेव और थर्ड वेव टाइप वाला सीन हुआ था ना, तब शायद वो टाइम आ गया था, और मैंने वो छोड़ दी थी. और उसके बाद मेरा नहीं मन किया कि मैं वापस से फर्स्ट सिटिंग से शुरू करूं, तो वो वहीं रह गया कोविड के कारण. वापस दोबारा मैंने कभी किया नहीं. हाउ इज योर आई हेल्थ नाउ? ओके, जिन लोगों को नहीं पता है, मुझे लास्ट 2 ईयर्स में जब मैंने बोला कि मेरी हेल्थ के साथ बहुत चीज़ें हुई थी, मुझे रेटिनल हेमरेज भी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे इश्यूज हुए थे. मैं लाइट फेस नहीं कर पा रही थी, मैं सिर्फ रात को अपने कमरे से बाहर निकलती थी. पूरा दिन मैं आँखें ही नहीं खोल पाती थी अपनी, बिकॉज लाइट होती थी नेचुरल लाइट, तो मैं पूरा पिच डार्क रखती थी अपने. और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बेसिकली रेटिनल हेमरेज हुआ था मुझे. तो अभी वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, आई एम फाइन. इज इट ओके इफ आई आस्क माई फियांसे टू ब्रेक ऑफ फ्रेंडशिप विद हिज एक्स एज शी इज नॉट अ गुड पर्सन? मैं इस चीज से एक्चुअली कभी गो थ्रू हुई नहीं हूं, तो मे बी आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस ऑन दिस. बट फिर भी जो थोड़े बहुत लाइफ के मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे जो मुझे इसका जवाब समझ में आता है, वो मैं आपको बता देती हूं.
कि ज़रूर डेफिनेटली कोई रीजंस हुए हैं जिनकी वजह से आप इस लड़की को पसंद नहीं कर रही हो, तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप अपने फियांसे से बात करो। और ये भी हो सकता है कि आपने अपने फियांसे से बात कर ली है कि भाई मुझे ये लड़की तेरी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। जैसे कि मेरा एक एक्स है जिसे कमल बहुत पसंद करता है, मेरी उससे बात हो या ना हो इन लोगों का कभी कभार हाय हेलो हो जाता है, बिकॉज कुछ डेफिनेटली कमल को अच्छी उस इंसान से वाइब्स आई होंगी जब कभी इनका मिलना हुआ था। वो उसकी मर्जी है, बट अगर कभी मुझे कमल बोलेगा कि आई डोंट वॉन्ट दिस गाय इन योर लाइफ एंड इन माई लाइफ और मेरे ये रीजंस हैं और वो बहुत सही रीजंस हैं, इट्स नॉट मेयर जेलेसी, इट्स टोटली ओके, तुम्हारा पूरा राइट है कि अगर तुम किसी चीज़ से कंफर्टेबल, स्पेशली एक एक्स से अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो, तो प्लीज़ टेल योर पार्टनर कि मुझे ये नहीं चाहिए। डिस्कस विद हिम कि क्या रीजंस हैं, मे बी उसे वो समझ आए। बट आई नो कि लड़कों और लड़कियों की थॉट प्रोसेस में इतना डिफरेंस होता है, जैसे कि जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है लड़कियों की जो लड़कियाँ ही कैच कर सकती है, मानते हो ना। लड़का आपका कहेगा ऐसा कब हुआ, ऐसा कब, उसने तो ऐसा, अच्छा उसने, अरे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और लड़की बोलेगी हेलो मैंने उसकी आंखों में ये चीज देखी है, शी वाज ट्राइंग दिस, शी वाज, सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई हैव बीन थ्रू ऑल दोस थिंग्स यार, हुई है मेरी लाइफ में भी ऐसी चीजें, तो आई नो लड़की ही समझ सकती है, लड़की जो वाइब्स देती है सामने वाली, ठीक है ना। जैसे कि लड़के बोलते हैं ना अरे तुम्हें नहीं पता लड़के बड़े ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैं लड़का हूं ना मुझे पता है, तो सेम हैपेंस विद लड़कियां ऑल्सो, सो आई टोटली गेट इट। बट डेफिनेटली आपके पास पूरा हक है उसे अच्छे से समझाने का कि व्हाई आई वांट दिस। अगर वो आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल डिसमिस कर रहा है, समझने को तैयार ही नहीं है, तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट योर फुट डाउन यार, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ये चीज़ सहन करने की, बिकॉज आज वो सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, दो साल बाद या एक साल बाद वो इट कैन टर्न इनटू समथिंग रियली हॉरिबल एंड कैन रिजल्ट इनटू समथिंग even more horrible. Okay, next question is, Dee, was yours and Kamal Jiju's relationship always been smooth? If not, then how have you dealt with your rough patches? You guys are simply adorable and you two give serious couple goals. I wish I had a husband like Kamal Jiju. Simple math है ये, जब हम लड़ते हैं वो चीज़ हम कैमरा पे नहीं डालते हैं, हम क्या हम नहीं लड़ते हैं कभी भी, क्या हम ऑलवेज दिस क्यूटू क्यूटू होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कमल और मेरा रिलेशनशिप थोड़ा मैं तुमको समझाती हूँ, हमारी रोज़मर्रा की लड़ाइयाँ नहीं है कि रोज़ बस घर में चैचा ही चल रहा है, कब से, लास्ट एक डेढ़ साल से वी आर इन अ वेरी वेरी हैप्पी प्लेस। हम दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत ग्रो हुए हैं, एज अ पर्सन बहुत इवॉल्व हुए हैं, मैंने अपनी बहुत सारी कमियाँ थी मेरे अंदर जो मैंने चेंज करी हैं, एंड कमल के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बॉदर करती थी और जिनकी वजह से हमारी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। आई हैव नेवर शेयर्ड दिस, आज मैं बताती हूँ कि जब मेरी सर्जरी थी वी वेंट थ्रू अ हॉरिबल टाइम, दोनों की तरफ से ही अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी आ गई थी एंड वी हिट अ रियली रियली रफ पैच। हम दोनों ने बहुत काम किया है हमारे रिश्ते पे एंड उसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ कि हमने काम बहुत किया है, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम आए हैं हमारे रिलेशनशिप में जहाँ पे अगर कोई एक इंसान भी ये सोच लेता ना कि मुझे वर्क नहीं करना, मुझे गिव अप करना है, आज हम साथ में नहीं होते। सो आई थिंक हमने जो एक चीज़ क्रैक करी है वो यही है कि यार साथ रहना है, चाहे ऊपर नीचे हो जाए हमारा टाइम, चाहे हमारी कभी लड़ाई हो जाए, रफ पैच आ जाए, कुछ आ जाए, बट एक दूसरे के लिए साथ खड़े रहना है एंड हमेशा हम साथ खड़े रहें, और भगवान करे आगे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही रहे और हमारा दिमाग फालतू में फिर ना जाए। डू यू बिलीव इन अ सोलमेट? सोलमेट आपको कभी मिलता नहीं है, आपको बनाना पड़ता है उस रिश्ते को, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज ओ आई एम इन अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, जिस पे बीतती है ना उसको ही पता चलता है, भाई हम पे बहुत बीती है, मैं मतलब कहां क्या बताऊं अभी, उससे ज्यादा मैं ज्यादा शेयर नहीं करना चाहती हूं, बट मैं जिस रफ पैच की भी बात कर रही थी वहां पे वी हैव गॉन थ्रू अ रियली रियली बैड फेज यार, गिव अप के काफी नजदीक आके हम वापस हुए हैं कि नहीं यार साथ रहना है, काम करना है इस चीज पे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इससे भी हम लड़ जाएंगे, इस सिचुएशन से भी हम आगे चले जाएंगे। तो सोलमेट की अगर मैं बात करूं तो मिलेगा नहीं आपको, आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा उस रिलेशनशिप पे, अपने रिलेशनशिप को स्टेज पे लेके जाने के लिए जहां पे आपको लगे कि यार ये मेरा सोलमेट है, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक अ रिलेशनशिप फील लाइक के ये भाई ये मेरा सोलमेट है या ये मेरी सोलमेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट कोको दैट मेड यू फॉल इन लव विद हिम? हाँ, एक चीज मैंने ना कुछ टाइम पहले रियलाइज किया है कि जब हमने शादी की थी ना तब प्यार नहीं था हमारे बीच में, वी वर नॉट इन लव। आज मुझे समझ आता है कि मुझे एक्चुअली कम्मू से जो प्यार हुआ है ना वो आई थिंक एक डेढ़ साल पहले, वहां मुझे समझ आया कि मुझे कम्मू से प्यार है, मुझे प्यार हो गया है। जब हमने शादी की थी वो सब तो अट्रैक्शन होता है, अच्छा हाँ ठीक है हम उस एज में हैं जहाँ हमें शादी करनी है, ओके ही इज नाइस पर्सन, ओके ही इज अट्रैक्टिव, ओके ही इज अ पेशेंट गाय, वो सारी क्वालिटीज ऑब्वियसली आप देखते हो, मैंने भी देखी थी और साथ में भी रहे हम, वहां पे भी मुझे फील हुआ कि हाँ यार ही इज अ नाइस पर्सन, अच्छा इंसान है एंड ऑल ऑफ दैट, बट प्यार मुझे कम्मू से ना अभी एक डेढ़ साल पहले से फील होना शुरू किया है। और कम्मू ऑल्सो सेज द सेम थिंग, कम्मू भी कहता है कि मुझे ना लास्ट एक डेढ़ साल से ऐसा लगता है कि मुझे तेरे से प्यार हुआ है, लाइक आई नाउ कैन नॉट लिव विदाउट यू। एंड कम्मू और मेरी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि टच वुड हम बात बहुत करते हैं, हम चार चार घंटे बात कर लेते हैं लगातार, वी टॉक सो मच, सो आई थिंक कम्युनिकेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
ओके सारे पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारे आए हुए हैं यार, तो बस ऐसा ना लगे कि मैं बहुत खुश हूँ अपने रिश्ते में, अभी तो ज्ञान बांट रही हूँ, बट बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. एक और लेती हूँ. डू यू थिंक इट्स बैड टू डिपेंड ऑन योर पार्टनर ऑलवेज एज दे माइट वॉन्ट सम स्पेस ऑल्सो? डेफिनेटली येस. जैसे कि मैंने पहले भी इस बारे में एक दो बार बात करी है कि मैंने बहुत ऐसे टाइम्स हुए हैं जहाँ पे कमल को एग्जॉस्ट किया है, ड्रेन किया है, बिकॉज मेरी ज़रूरतें बहुत रही हैं. चाहे क्योंकि मेरे पापा नहीं है तो कई बार मुझे वो वाला लाड भी चाहिए होता है, अब जैसे मम्मी चले गए तो वो वाला प्यार भी चाहिए, या फिर पार्टनर वाला भी चाहिए, दोस्त भी एक्सपेक्ट करती हूँ मैं कमल से. तो मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कमल को बहुत ड्रेन किया है, बट मैंने थोड़ा बहुत अब इस चीज़ को सीखा है कि जो जितना हो सकता है ना अपने आप उस चीज़ के साथ डील कर, जब नहीं हो पाएगा तो कमल को ये वाली टेंशन देना. तो अब थोड़ा मैंने लास्ट कुछ टाइम से मैं बहुत चेंज हुई हूँ, मैंने कमल को काफ़ी स्पेस देना शुरू किया और उसकी भी जो फीलिंग्स हैं उसको भी इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी. बिकॉज आई रिमेंबर अ टाइम बहुत पहले मुझे ऐसा लगता था कि कमल की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमल तो बहुत बढ़िया, बस मेरी सुनती रहो, मेरी सुनते रहो, क्योंकि मेरे साथ ये भी है प्रॉब्लम, ये भी है, हेल्थ की है, मम्मी पापा फलाना ढिमका. पर अभी हाँ, डेफिनेटली पार्टनर को स्पेस देना बहुत जरूरी है. इज इट वर्थ स्टार्टिंग अ चैनल टुडे? हाउ स्टे एट होम वुमेन कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट? जिस टाइम पे मैंने चैनल स्टार्ट किया था और या फिर आज का टाइम, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदली हैं, बट एक दो चेंजेस आए हैं मैंने देखा है. एक तो बहुत सारे लोग अब YouTube पे आ गए, उसमें कोई बुराई नहीं है, हर किसी का हक है YouTube पे आना या डॉक्टर बनना या लॉयर बनना. आप नहीं बोलोगे ना अरे बहुत डॉक्टर हो गए हैं अभी तुम क्यों डॉक्टर बन रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होता ना. आपको जो करना है लाइफ में, आप करना चाहते हो आप करो. बट हाँ, अभी बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, यानी कि बहुत लोगों के पास बहुत ऑप्शन हो गए हैं देखने के लिए, तो थोड़ा ज्यादा और डिफिकल्ट हो गया है. बट आप अगर कोई चीज करना चाहते हो यार, उसको इस प्रेशर के साथ स्टार्ट मत करो, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, आई एम सो ग्लैड कि मुझे इस प्रेशर के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि आप जब तक घुसे नहीं हो इस चीज में ना, मेरे साथ एटलीस्ट ऐसा हुआ था, जब तक मैं इस चीज में घुसी नहीं थी, मुझे अंदर की सारी जो चीजें होती हैं, चाहे वो ऑडियंस को मैनिपुलेट करना हो या फिर अपने फेलो यूट्यूबर्स हैं, कई बार लोग आपस में एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, फायदा उठाना लोगों का, बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे इन चीजों के बारे में घंटा नहीं पता था. और पैसों का भी मेरा उतने बड़े बड़े वो वाले सपने नहीं थे कि भाई मेरे को तो करोड़ों रुपया कमाना है. मेरे तो ऐसे था कि हाई बस एक घर बन जाए मेरा, हाई बस ऐसे हो जाए, और मुझे सब चीजें इतनी दूर की लगती थी, मुझे ऐसा लगता हाँ शायद एक दिन ऐसा कर लूंगी. वो अलग बात है कि यूट्यूब पे मेरी किस्मत अच्छी रही, मैं वायरल हो गई, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, फिर उसके बाद फिर मेरी वीडियोस बहुत अच्छी चली. अभी फिर वापस से एक ऐसा फेज आया है जहां पे आई एम डूइंग ओके, आई एम स्टिल अर्निंग द सेम, मेरे को ब्रांड्स उतना ही पैसा दे रहे हैं, आई एम डूइंग गुड. फेजेस तो आते हैं डेफिनेटली, तो वो मेरी लाइफ में भी आए. बट स्टार्ट करने के लिए मैं बोलूंगी कि यार देयर इज नेवर रॉन्ग टाइम. अगर आप कोई चीज करना चाहते तो क्यों नहीं कर, सारी दुनिया कर रही है तो आप भी करो. कि करियर वरियर छोड़ो, इफ इट मेक्स यू हैप्पी डू इट फॉर दैट, और ज्यादा सोचो ही मत. जब आप बिना किसी प्रेशर के साथ ये चीज शुरू करोगे ना, फिर आपको जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो इवन बेटर मिलेगा. जब आप ऑलरेडी प्रेशर की मुझे इसे करियर बनाना है, इससे मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, तो आप ऑलरेडी एक प्रेशर के साथ घुस रहे हो, फिर शायद आप उतना अच्छा ना कर पाओ. ऐसे सोचो कि मैं करना चाहती हूँ, बस मैं कर रही हूँ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा. ओके, अभी हम हेल्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं. उसके लिए मैं अपना फोन साइड कर देती हूँ और दिल थाम के बैठी. शायद आपके लिए उतनी बड़ी बात ना हो, बट क्योंकि मैं इस जर्नी से निकल रही हूँ और इस जर्नी से बहुत टाइम से निकलती आई हूँ, मेरे लिए ये मेंटली बहुत बहुत ड्रेनिंग है. लाइक द गाय भव्या हु इज शूटिंग माय वीडियो, उसने आज दिन में, अभी आपको मैं बहुत हैप्पी लग रही हूँ, आज का मैं व्लॉग भी कर रही हूँ उसमें भी मैं आपको हैप्पी लगूंगी, आपको लगेगा इसको क्या हुआ है, बट ही हैज सीन मी क्राइंग. और इसने ऐसे मुड़ के देखा, इसे क्या हो गया, रोने क्यों लग गई कि ये तो हाँ है धक-धक हो रहा है. ओह गॉड, हाँ हाँ. तो शुरुआत करते हैं यहाँ से. शॉर्ट में बताती हूँ अपनी पुरानी जर्नी कि मेरे को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम रही है. यानी कि जिनको नहीं पता एंडोमेट्रियोसिस, शॉर्ट में देखो, मैं अभी डॉक्टर तो हूँ नहीं, जितना मैं समझ पाई हूँ आज तक इन चीजों को अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बता देती हूँ, जितना पता है उतना बता रही हूँ, बाकी आप लोग खुद पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहते हो. तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली उसमें क्या होता है, जैसे एक लड़की है उसके यूट्रस के अंदर एक टिश्यू होता है जो हर महीने बनता है पहले, और फिर जब उसे पीरियड्स आते हैं तो वो शेड होता है, पील होता है, राइट, उसको आप मेंस्ट्रुएशन बोलते हो. एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि वो जो टिश्यू जो फॉर्म होता है एवरी मंथ, वो जहां होना चाहिए यूट्रस में उसकी जगह गलत जगह पे फॉर्म हो रहा है, इट्स नॉट नॉर्मल. तो अब वो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम करेगी, राइट. मेरे को एंडोमेट्रियोसिस हुआ था जिसमें मेरे वो बनते 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 एक अच्छा खासा इतना बड़ा सिस्ट मेरे यूट्रस में से निकाला गया था, जिसकी सर्जरी हुई थी कुछ 2 साल पहले. ये 2 साल पहले हुई थी तब, क्योंकि तब मुझे पता चला था कि ये एंडोमेट्रियोसिस है, उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था. उससे पहले तो मैं सिर्फ दर्द में थी और मुझे लगता था पेट दर्द होता है, पेट दर्द होता है. किसी किसी वीडियो में बहुत सालों पहले आप ये भी सुनोगे मुझसे कि शायद मुझे ग्लूटेन एलर्जी हो गई है. क्यों? क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर ने बोला अच्छा ऐसा होता है तो आपको ना शायद ये सूट नहीं कर रहा है, शायद आपको ये सूट नहीं कर रहा है. होते हैं कई डॉक्टर जो नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज होता है ना कि जब आपको सही इंसान ने मिलना है आपको तभी मिलना है. तो एनीवे, तो फाइनली 2 साल ऑलमोस्ट एवरी डे मैं उस दर्द में रहती थी, और वो दर्द काफी गंदी दर्द होती है, तो उससे मेरी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी. फाइनली पता चला एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है, अभी उस स्टेज पे जहां पे सर्जरी ही होनी पड़ेगी. सर्जरी कर दी. सर्जरी करने से पहले डॉक्टर ने मुझे बोला था दैट दिस इज समथिंग दैट विल हैपन अगेन. अभी के लिए तो सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम नहीं भाई, तुम बहुत दर्द में रहोगी, तो अभी करा लो, बट उसके बाद देखो आगे स्टेप क्या.
क्या लेना है. नाउ आई एम एट अ स्टेज ऑफ लाइफ बहुत टाइम से जहाँ पे वी आर वांटिंग टू बिकम पेरेंट्स बट मेरी हेल्थ इश्यूज वजह से ये चीजें नहीं हो पाती है. एनीवे तो एंडोमेट्रियोसिस की मेरी वो जर्नी थी. उसके बाद आई वाज हैप्पी, आई वाज आउट ऑफ दैट पेन. बाय द वे सर्जरी की भी जो जर्नी थी वो आसान नहीं थी, उसमें भी मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी. मैं 3 मंथ्स तक प्रॉब्लम्स में थी क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था अपने सारे के सारे स्टिचेस में. तो मुझे ऑल्टरनेट डेज पे डॉक्टर के पास वो दबा दबा के स्टिच को उसमें से वो पस निकालते थे, बहुत चीजें होती थी. तो वो दैट वॉज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी. बट फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स मुझे लगा अब ये दर्द चली गई, अब सब कुछ ठीक हो गया. बट अभी रिसेंटली पौंडी में मेरा दर्द एक शुरू हुआ था. पौंडीचेरी से वापस आने तक दर्द ठीक हो गया था, मैं गई नहीं थी. आई नो बैड ऑन माई पार्ट, बट लगा कि अच्छा चल ठीक है कुछ खा लिया हुआ ट्रैवल पे. तो ऐसे जब दोबारा हुआ उस दिन मैंने डिसाइड किया अभी बाकी सारी चीजें साइड में करूंगी, सबसे पहले कल डॉक्टर के पास जाऊंगी. और कमल को कह के सोई थी कि कमू कल सुबह अगर मुझे ये दर्द ना हुआ तुमने फिर भी मुझे बोलना है कि ज्योति उठ अभी और जा. एनीवे मैं गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख दिए और मैंने डॉक्टर को ये बोला भी कि डॉक्टर मेरे ना सारे टेस्ट कराओ क्योंकि माई मदर वेंट बिकॉज ऑफ कैंसर एंड शी हैड अ वेरी ट्रॉमेटिक जर्नी. लास्ट के उनके दिन तो बहुत ही बुरे थे. तो मेरे ना दिमाग में बहुत टाइम से ऐसे भी था कि कैंसर कैंसर. मेरे को दांत में भी दर्द होता था ना, तो मैं एक ऐसे टाइम पे पहुंच गई थी जहां दांत में भी दर्द है, मैं कहती थी हाय वही तो नहीं है, यहाँ दर्द हो रहा है वही तो नहीं है, यहाँ दर्द हो रहा है वही तो नहीं है, ऐसी चीजें हो गई थी. ठीक है, तो फिर मैंने डॉक्टर को ये भी बोला कि डॉक्टर मुझे ना सारे ऐसे वाले अपने टेस्ट भी लिख दो जिस जो इस रिलेटेड होते हैं, चाहे वो पैप स्मियर हो, चाहे वो पेल्विस का अल्ट्रासाउंड या एब्डोमेन का, सब चीजें मैंने करा ली. तो वो सब करवा के फाइनली वो दिन आया जिस दिन सारी की सारी मेरी रिपोर्ट्स फाइनली मेरे पास आ गई. उसमें सबसे पहले जय माता दी मेरा जो एक कैंसर का डर था वो मेरा निकल गया. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बट माय डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी कि ये हम हर किसी को बोलते हैं बट इंडिया में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि आपको ये वाले जो टेस्ट है ना कैंसर रिलेटेड भी 3 इयर्स में एक बार कम से कम आपको करवाना चाहिए सो दैट अगर कभी ऐसा आपको दिख जाए कुछ तो आप अर्ली स्टेज में ही उसे डिटेक्ट कर चुके हो और फिर देन वी कैन वर्क ऑन इट. उसके बाद अब हुआ है कि उन टेस्ट से मुझे ये पता चला, मुझे पीसीओडी तो थी ही वो लास्ट कुछ महीनों पहले, आई थिंक 1 साल पहले मैंने शेयर किया था कि मुझे पीसीओडी भी हो गया है. अभी प्रॉब्लम ये हुआ है मेरे साथ जो मेरी एंडोमेट्रियोसिस थी वो वापस आ गई है, बट इट्स नॉट एक्जैक्टली एंडोमेट्रियोसिस, इट्स नाउ एडिनोमायोसिस. नाउ एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस दोनों सिमिलर चीज है. सिर्फ इतना होता है कि एडिनो में जो वो टिश्यू फॉर्म हो रहा है वो थोड़ी सी डिफरेंट जगह पे हो रहा है और एंडोमेट्रियोसिस में वो टिश्यू जो फॉर्म हो रहा है, अनवांटेड टिश्यू जो फॉर्म हो रहा है वो डिफरेंट जगह पे हो रहा है. लेकिन हुआ ये है कि फाइनली दैट पेन हैज कम बैक. अब मुझे एडिनोमायोसिस डायग्नोज हो गया है और उसका डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि दो ही चीजें हैं, सर्जरी या फिर यूट्रस रिमूवल, आप रिमूव करवा दो. बट ये चीजें हम कर नहीं सकते बिकॉज वी हैव टू प्लान अ बेबी. अब बेबी प्लानिंग में भी ये सीन है. वंस एंड फॉर ऑल मैं सबको बता दूं दैट आई एम ऑन अ जर्नी जहां पे मैं एक डिफिकल्ट फेज में हूं बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कंसीव. एंड अब आफ्टर द लास्ट टेस्ट्स ये और ज्यादा क्लियर हो गया है दैट आई हैव वेरी लेस फर्टिलिटी रेट. आई नो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अरे बच्चा क्यों नहीं प्लान कर रहे, अरे ऐसा क्यों नहीं कर रहे, अरे बहुत हो गया तुम्हारा फन अभी बच्चा भी प्लान करो. देयर इज अ लॉट मोर टू इट. स्टॉप बीइंग सो इनसेंसिटिव बिकॉज एवरी टाइम यू आस्क मी दैट क्वेश्चन, अगर मैं भूली भी बैठी हूं वो मुझे बार बार आके हॉन्ट करता है. बट ऑनेस्टली क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग जो लोग पूछते हैं उनके लिए उनको मैं एड्रेस कर रही हूँ कि आप लोग बंद कर दोगे? नहीं, मुझे पता है आप लोग अभी बंद नहीं करोगे. आप सिर्फ मुझे हेल्प कर रहे हो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने में. वो हर्टफुल चीजें हैं, वो हर्टफुल ही रहेंगी. सिर्फ इतना है कि आप सुन सुन के ये चीजें इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि आपको लगता है कि ठीक है यार अभी क्या करें. बट बैक टू द पॉइंट, प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली हैं. अब मैं एक इस जर्नी पे रहूंगी, आई एम ऑन मेडिकेशन नाउ अगेन. बट क्या इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ रोक दूंगी? ऑब्वियसली लाइफ तो नहीं रुकेगी, जो करना है वो तो करना ही है. थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़ा डिले हो जाएगा, बट करना ही है. होपफुली मैं ठीक हो जाऊंगी. जब जब दर्द नहीं होगी तब तब काम करूंगी और जब दर्द होगी तो आई विल रिलैक्स. आई एम डूइंग द बेस्ट इन माय कैपेसिटी. मेरी हेल्थ से ऊपर आज के डेट में मैं किसी चीज को नहीं रखती हूँ. तो आई नो व्हाट नीड्स टू बी डन, जस्ट बी अ लिटिल बिट सेंसिटिव एंड दिस इज इट. इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय.